अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हमने एक खास किस्म का मीटअप किया है और हमारे साथ आई हैं अब्दुल बासित जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स को, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। अच्छा जी, इस मीटअप का मकसद ये था कि हम कुछ खास लग्जरी आइटम्स को, फ्रेगरेंस को, अरोमेटिक्स को स्निफ कर सकें, और ये कलेक्शन बेसिकली अवेलेबल है अब्दुल बासित भाई के पास, और ही इज़ काइंड इनफ कि ये वो चीज़ें हमारे पास लेके आए हैं और हम बैठ के उसको मज़ा ले रहे हैं उसका। इसकी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपके साथ दूंगा। ये बेसिकली सुल्तान कबूस, सुल्तान ऑफ ओमान, जो 2020 में जिनका डेथ हुई थी, ही वॉज आशिक, फ्रेगरेंस का आशिक था वो, जिसकी अमवाज की जो कंपनी है वो भी फॉर्मेशन जो है इसके पीछे भी सुल्तान कबूस का हाथ है। उसकी प्राइवेट कलेक्शन से सुल्तान भाई जो हैं, अब्दुल बासित भाई जो हैं, उन्होंने क्या कहते हैं एक्वायर की है थ्रू हिज सोर्सेस, जिसमें एक तो इनका परफ्यूम है जो उसका प्राइवेट कलेक्शन के अंदर से था। बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऊद बेस्ड परफ्यूम, ऊद, रोज, मस्क, देन खास किस्म के क्या कहते हैं प्राइवेट ऑयल्स, जिसमें क्या कहते हैं मैं बासित भाई से कहूँगा क्योंकि हमने ये ट्राई कर लिए हैं, और आई कैन गिव यू माई वर्ड्स कि आई हैव नेवर स्निफ्ड वेरी गुड टाइप ऑफ ऑयल लाइक दिस। सो नाउ ओवर टू बासित भाई, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपनी फ्रेगमेंटेशन फैमिली को। जी दानिश भाई, ये ऑयल जो है ये एस क्यू की प्राइवेट कलेक्शन का ऑयल है और ये है ऊद रोज। ये ऊद रोज है और क्योंकि सुल्तान कबूस के जो ऑयल है वो सारे ही तकरीबन जो मुझ तक पहुंचे हैं वो सब विंटेज ऑयल हैं, बिल्कुल ठीक है, और ट्राई आपने क्वालिटी कर ली है। एक ऊद रोज है उनका, ये है मरोकी, टू गुड मरोकी तो बिल्कुल, और ये है हिंदी। ये परफ्यूम है, परफ्यूम कैसा लगा वैसे दर्शन? ये परफ्यूम मतलब कि इट्स अ रॉयल परफ्यूम, जैसे कोई आपको फील आएगी क्योंकि आप किसी रॉयल्टी के साथ बैठे हैं, और क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट है वो देखने में वो ऊद रोज मस्क होगा, लेकिन द क्वालिटी ऑफ ऊद वो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह जाहिर है कि एक चीज जो सुल्तान के लिए, सुल्तान ऑफ ओमान के लिए बनाई गई है वो मार्केट की तो चीज ही नहीं है। वो तो जाहिर हाईएस्ट क्वालिटी की, खास किस्म के डिस्टिलर और खास किस्म का रॉ मटेरियल एक्वायर करना और फिर उसको तैयार करना। और एक ये हिंदी कदीम आपको कैसा लगा ये जो 50 इयर्स ओल्ड है? नो डाउट अबाउट हिंदी, क्या कहते हैं जो एक्चुअल ऊद, हिंदी ऊद, लेकिन टेम डाउन, टेम डाउन, कोई उसमें बार्नियर्डिश पन नहीं, वो फीकल किस्म की, तमाम डर्टी नोट्स हाइड है, सारी हाइड है, क्योंकि एज के साथ वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है। बल्कि मैं इस कन्वर्सेशन के अंदर मिस्टर दानियाल को भी क्या कहते हैं इंक्लूड करूंगा, अगर आप कैमरा मुझे पास। हाँ जी, हाँ जी, तो कैसा लगा जी, क्या कहते हैं दानियाल भाई, आपका इस पर कोई ओवरव्यू? सबसे पहले तो जी अब्दुल बासित भाई का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, बल्कि हम दोनों ही मशहूर हैं, मैं मशहूर है कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और सबसे मज़े की बात है कि इन्होंने हमारे अंदर की वो जो एक तार थी, खुशबू जो पसंद करते हैं उनके अंदर एक तार होती है, उसको छेड़ा इतनी पुरानी विंटेज चीज़ें दिखाकर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इनकी प्राइवेट कलेक्शन है सुल्तान कबूस की, या चाहे ये आर्टिजनल हाउस है लकी यूथ के, इसकी तो बात ही नहीं है। दानिश भाई, आपको टाइगर संदल, रू गुलाब कैसा लगा? ओवर क्या है आपका इनके ऑयल्स के मतलब जो आपने ट्राई किए हैं? टाइगर संदल के तो मैंने आपको बताया कि मैसूर की टॉप नॉच क्वालिटी, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई फर्क ही नहीं था, बल्कि हम इसी पे डिस्कशन कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे एक दूसरे परफ्यूम के साथ। और दूसरा ऊद ऑयल्स हैं वो भी बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत अच्छे से डिस्टिल हुए, और यूं समझ लीजिए कि हाई क्वालिटी जितना आपको कुछ नजर आ रहा है सबके सब प्रीमियम क्वालिटी है, इसमें कोई और क्वालिटी शामिल नहीं है। तो अगेन बासित भाई का बहुत ज्यादा मशहूर है, और जितने भी फ्रेगमेंटेशन के लोग दे रहे हैं भाई, मस्ट कलेक्टर आइटम है ये, नहीं ले सकते, एक दफा बासित भाई को दावत दें, वो आपके पास आए और उनको ये चीजें चेक जरूर करवाएं। हमने खास तौर पे उनको क्या कहते हैं होल्ड किया है, रिक्वेस्ट किया है और होल्ड किया है बासित भाई को के फ्रेगमेंटेशन से जो भी भाई, क्योंकि वो उनकी भी फैमिली है फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल हम भी उसका हिस्सा है, हिस्सा है, तो वो अगर कोई ट्राई करना चाहे दे आर वेलकम, और अल्लाह ताला इनको अजर देगा, ही इज वेरी काइंड पर्सन। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे थे हम अपनी तरह से आपको उसमें इंक्लूड कर सकें। तो जजाक अल्लाह खैर, और शुक्रिया आपने वक्त दिया दानिश भाई,
आपकी हॉस्पिटैलिटी का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, और फ्रेगमेंटेशन फैमिली के तमाम मेंबर्स का जो कि आप एक अरसा दराज से इसको लेकर चल रहे हैं, इसको मैनेज करते हैं एक अच्छे से, उन सबका अहबाब का बहुत शुक्रिया कि हमें देख रहे हैं, और किसी चीज़ की कोई मालूमात चाहते हो, सिर्फ शौक वाली चीज़ें हैं ये, जरूरी नहीं है कि आप खरीद सके क्योंकि ये पहुंच से समटाइम बाहर की चीजें हैं, लेकिन शौक के कोई पैसे नहीं है, शौक आप कर सकते हैं। शौक हर किसी का है, बेशक बेशक, अल्लाह ताला आपके शौक के किसी के कोई पैसे नहीं। माशाल्लाह आपकी कलेक्शन इसी तरह बढ़ाए भाई, आमीन, और आप बहुत ही यू लाइक जम, जजाकअल्लाह खैर भाई, अस्सलाम वालेकुम।